मध्य प्रदेश से एक बड़ी खबर आपको बता दें, केंद्रीय जेल में बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाई गई कृष्ण जन्माष्टमी। इस दौरान केंद्रीय जेल अधीक्षक एसके उपाध्याय ने मीडिया से बताया कि जिन कैदियों ने झांकी में अच्छा प्रदर्शन किया है उनकी सजा पर 5 दिन के लिए छूट दी गई है। वहीं जेल के अंदर संगीतमय कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। आपको बता दें, केंद्रीय जेल के अंदर ही श्री कृष्ण की झांकी सजाई गई है जो आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। प्रयाग एक्सप्रेस न्यूज के लिए रीवा मध्य प्रदेश से रोहित पाटिल की खास रिपोर्ट। जब जन्म मनाते हैं कार्यक्रम किया जा रहा है क्या? विगत वर्षों की भांति इस वर्ष भी केंद्रीय जेल में श्री कृष्ण जन्मोत्सव का त्यौहार बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। इसमें समस्त स्टाफ, बंदी भाई, सभी लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। बहुत ही हर्षोल्लास और संगीतमय कार्यक्रम प्रस्तुति दी जा रही है। इस अवसर पर हमने जो भी हमारे कैदी जिन्होंने मेहनत की है और जिन्होंने अच्छा कार्य किया है, उनको जन्मोत्सव भगवान श्री कृष्ण के अवसर पर 5 दिवस की माफ़ी की घोषणा भी मैंने की है। साथ ही साथ ये संगीत का कार्यक्रम आज 5 बजे से शुरू हुआ है जो शाम 8 बजे तक चलेगा। थैंक यू। कई झांकियाँ भी सजाई गई हैं। जी, झांकियाँ सब कैदियों द्वारा ही बनाई गई हैं। जो आप लोगों ने भी देखा है वो बहुत ही मनोहारी दृश्यों को उभारा गया है उसमें, जिसमें भगवान श्री कृष्ण के जन्म और उसमें जो भी उनकी रासलीलाएँ थी उन सभी का वर्णन किया गया है। संगीत का कार्यक्रम सर किसके द्वारा किया जा रहा है? संगीत का कार्यक्रम हमारे संगीत शिक्षक हैं, उनके माध्यम से सभी कैदी भाइयों द्वारा ही किया जा रहा है। वो संगीत में ही शिक्षा दीक्षा ग्रहण कर रहे हैं, उनके द्वारा ही ये संगीत का कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। कृष्ण जन्म किस समय मनाया जाएगा? कृष्ण जन्मोत्सव अभी सायं 8 बजे मनाया जाएगा।